गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर 1 फंक्शन एंड पार्ट ऑफ कंप्यूटर। फंक्शन मतलब कंप्यूटर कैसे काम करता है और कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये हम सीखेंगे। तो व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलता है, जो कि हमारा काम आसान करता है। हमारा समय और शक्ति, टाइम और एनर्जी दोनों को सेव करता है। कैसे? जैसे हमें 10 डिजिट का कोई मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमें उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन कंप्यूटर इसे कुछ ही मिनटों में सॉल्व करके हमारा टाइम और हमारी एनर्जी दोनों को सेव करता है। कंप्यूटर वो हमें काम करने में मदद करता है। तो कंप्यूटर के पार्ट कौन कौन से हैं, तो हम कंप्यूटर
फिर है फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कौन कौन से फंक्शन से कंप्यूटर काम करता है, वर्क करता है, तो वो पार्ट है इनपुट, फिर है प्रोसेसिंग, और स्टोरेज। फिर है इनपुट, अंदर डेटा डालो, प्रोसेसिंग जो डेटा डाला है उसके अकॉर्डिंग स्टोरेज करेगा, प्रोसेस करेगा, वो है सीपीयू। फिर है आउटपुट, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो फिर हमें मॉनिटर पर दिखाई देगा, वो है आउटपुट। ये एग्जांपल हमने फ्लोर मिल की हेल्प से सीखा था। तो एक फ्लोर मिल है, फ्लोर मिल में हमें गेहूं का आटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो आपके पेज नंबर 3 पर दिया गया है, फ्लोर मिल का पिक्चर है, देखिए आप वहां पर आपको एक बड़ा सा वेसल दिया गया है जिसमें हम गेहूं डालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें गेहूं का आटा चाहिए, गेहूं का आटा हमें चाहिए तो हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, सीधे सीधे हमें गेहूं का आटा नहीं मिलेगा, गेहूं को पीसना पड़ेगा, ग्राइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें कौन सी चीज का यूज करना है, तो वो चीज है ये फ्लोर मिल। हमें डेटा को सेव करना है, ऐसे ही डेटा सेव नहीं हो जाएगा, कहाँ पर सेव होगा, तो वो है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में डेटा सेव करना है तो भी हमें प्रोसेस करनी पड़ेगी, जहाँ पर हमें गेहूं का आटा चाहिए तो भी हमें प्रोसेस करनी पड़ेगी। पर ये फ्लोर मिल की हेल्प से हम देखें कि कैसे इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट कार्य करता है। तो बड़ा सा बेसन है, उसमें गेहूं डाला तो वो हो गया इनपुट, फिर यहाँ पर ग्राइंड होने के लिए प्रोसेस होगी, तो ये हो गया प्रोसेसिंग यूनिट। जिस हिसाब से जैसे हमें रोटी का आटा चाहिए या कुछ लड्डू का आटा चाहिए, जो भी आटा चाहिए उस हिसाब से यहाँ पर प्रोसेस होगी, और फिर यहाँ बॉटम में हमें वो गेहूं का आटा मिलेगा, तो वो हो गया आउटपुट। जिस हिसाब से, जिस अकॉर्डिंग हमें आटा चाहिए तो वो हमें वहां पर प्रोसेस करना पड़ेगा, वो है फ्लोर मिल का प्रोसेस। पर यहाँ पर हमने देखना है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में कोई डेटा हमें सेव करने के लिए रखना है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले उसमें डेटा को डालेंगे, तो डेटा डालना हो गया इनपुट। जैसे हमें ऐसे डालना है, उसमें आपने कोई भी ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है और वो ऐसे आपको सेव करके रखना है, तो आप कंप्यूटर में रखने वाले हैं तो उसको आप कंप्यूटर को देंगे, तो वो हो गया इनपुट। फिर प्रोसेसिंग, तो आपने जो डेटा दिया है वो पहले कहाँ जाएगा, स्टोर होगा मेमोरी यूनिट में, वो स्टोर करेगा। फिर जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस होगी, कहाँ पर, तो वो होगी सीपीयू में, सीपीयू में प्रोसेस होगी। और फिर हमें वो ऐसे देखना है तो कहाँ पर देखेंगे, वो देखेंगे हम मॉनिटर पर, तो वो हो गया आपका आउटपुट। आउटपुट हो गया, ये आपने मॉनिटर पर देख भी लिया। फिर ये उसकी प्रिंट आपको चाहिए कि ये ऐसे मैं संभाल के रखूंगा, अदरवाइज मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगा या पेरेंट्स को दिखाना चाहता हूं, तो वो आप एक कागज पर उसकी प्रिंट लेंगे, तो कौन से पार्ट की हेल्प लेंगे, तो वो है प्रिंटर। इनपुट आपने डेटा डाला, स्टोरेज हुआ, प्रोसेसिंग हुई, फिर आउटपुट मिला। आउटपुट कहाँ पर मिला, मॉनिटर पर, अगर प्रिंट चाहिए तो प्रिंटर पर। इनपुट कैसे किया आपने, कौन से पार्ट की हेल्प से किया, तो वो है कीबोर्ड। क्यों? क्योंकि आपने टाइप किया, डेटा आपको कंप्यूटर को देना है तो आपने टाइप किया, किससे, कीबोर्ड से, तो ये हो गया इनपुट डिवाइस, कि जिसकी हेल्प से आपने डेटा उस पर अंदर डाला। दूसरा कौन सा जो पार्ट था जिसकी हेल्प से आपने इनपुट डेटा किया, तो वो है माउस।
कीबोर्ड और माउस दोनों हैं इनपुट डिवाइस। सीपीयू क्या है? वो है प्रोसेसिंग डिवाइस। मॉनिटर और प्रिंटर, ये मॉनिटर और प्रिंटर दोनों क्या है? होंगे आउटपुट डिवाइस। फंक्शन है इनपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज और आउटपुट। वो कौन से पार्ट की हेल्प से हमारे काम करने में आसानी करेगी? तो वो है इनपुट डिवाइस में कौन कौन से हैं? कीबोर्ड और माउस वो इनपुट डिवाइस है, सीपीयू है वो प्रोसेसिंग डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में कौन कौन से हैं पार्ट्स? तो वो है मॉनिटर और प्रिंटर। क्यों? क्योंकि जो भी हमें देखना है वो हमें दिखेगा मॉनिटर पर अगर वो हमें उसकी प्रिंट चाहिए तो वो हमें प्रिंटर से मिल सकती है। तो वो हो गया प्रिंटर और मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में डाल सकते हैं कीबोर्ड और माउस, ये दोनों है इनपुट कीबोर्ड और माउस वो है इनपुट डिवाइस। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में हमें डेटा डालना है तो हम यूज करेंगे कीबोर्ड और माउस का। तो कीबोर्ड उसमें पहला डिवाइस है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड की पिक्चर दी गई है आपको पेज नंबर 5 पर। कीबोर्ड कैसे बना है ये आप जानते हैं, जहां पर लेटर की A to Z लेटर आए हुए हैं कीज दी गई है कीबोर्ड पर। फिर है नंबर की 0 to 9 कीज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जैसे हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ये सभी करने सम्स करने हैं तो उसके लिए भी कीबोर्ड पर कीज अवेलेबल है, उसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कीज फॉर पंक्चुएशन मार्क्स, जैसे कोमा करना है डबल कोमा करना है कोई भी सेंटेंस है उसको ऐसे करना है, कोई भी चिन्ह देना है तो हम वो पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करेंगे। कीज फॉर स्पेशल सिंबल के लिए हमें अगर has ये सब चिन्ह सिंबल का हमें यूज करना हो तो उसके लिए भी कीबोर्ड पर ये सिंबल अवेलेबल है। कर्सर की आपको यहाँ पर की दी गई है 4 एरो की जैसे दिखती है, ये एरो की लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। फंक्शन की स्पेशल कमांड कहीं पर देना है तो उसके लिए फंक्शन कीज का यूज करने के लिए F1 से लेकर F12 तक की फंक्शन कीज अवेलेबल है। कहां पर? कीबोर्ड पर। स्पेशल कीज में जैसे कि एंटर की, शिफ्ट की, अल्टर की, डिलीट की, ये सभी स्पेशल है।
कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर मोनिटर पर नहीं चाहिए होगी तो आप वहाँ से इरेज करेंगे, तो इसीलिए डिलीट की का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज बैकस्पेस कीज का भी यूज कर सकते हैं। तो ये था कीबोर्ड, उसके बाद है माउस, इनपुट डिवाइस में दूसरा माउस, तो वो है द माउस इज अ पाम साइज प्लास्टिक डिवाइस। पाम मीन्स हथेली, हमारी ये हथेली, इसको पाम बोलते हैं। पाम साइज हमारी हथेली में आ जाए, इतना छोटा डिवाइस है, किसका है, प्लास्टिक का बना हुआ है, 2 or 3 बटन्स ऑन इट। The left mouse button is the most frequently used button. हम सबसे ज्यादा माउस में कौन से बटन का यूज करते हैं, तो वो है लेफ्ट बटन। आप जैसे कि ये माउस है, यहाँ पर ये मेरा लेफ्ट है, ये राइट है, तो ये इज राइट की, ये लेफ्ट, और यहाँ पर जो स्क्रोल बटन दिया गया है वो मेरी हथेली में आ जाए, ऐसा होता है माउस का साइज, और वो है प्लास्टिक का। मोस्टली हम कौन सी कीज का यूज करते हैं, ये लेफ्ट की का यूज करते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली, और जब हमें कोई भी चीज टाइप करनी है, कर्सर को हिलाना है, कहाँ पर एंटर ले जाना है, तो मोस्टली हम ये लेफ्ट की का यूज करते हैं। द माउस इज केप्ट एंड मूव्ड ओवर ए माउस पैड। माउस को हम कहाँ पर रखते हैं, माउस पैड पर रख कर उसको मूव करते हैं। मूव करेंगे तो ही मूव होगी और मॉनिटर पर कुछ काम कर सकते हैं। ऑन इट्स अंडर साइड देयर इज अ स्फेरिकल रबर बोल। अंदर जो बोल रबर आपने देखा, यहाँ माउस का पिक्चर है, तो ये लेफ्ट बटन या राइट बटन और बीच में जो व्हील जैसा दिया गया है, राउंड है ना, उसमें एक बोल होता है अंडर इनसाइड, विच मूव्स एज यू मूव द माउस ओवर द माउस पेड। माउस पेड पर आप जैसे ही माउस को कमांड देंगे, उस हिसाब से वो व्हील रबर बोल है वो काम करेगा। द माउस इज कनेक्टेड टू द सीपीयू बॉक्स विथ अ केबल। माउस किसके साथ जुड़ा होता है, सीपीयू के साथ, किस से, तो वो जुड़ा होता है केबल से, वो केबल की हेल्प से सीपीयू के साथ जुड़ा होता है। When you move the mouse, the movement of the board on its underside is converted into data. जब आप माउस को मूव करते हैं, मतलब हिलाते हैं, तभी वो रबर बोल है वो अंदर कार्य करेगा, अंडरसाइड इज कन्वर्टेड टू डेटा, वो उसका डेटा में रूपांतरण करता है, विच इज सेंट टू द सीपीयू थ्रू द केबल। वो सीपीयू के पास कैसे पहुंचेगा, जो रबर को हमने माउस से डेटा डाला वो कैसे पहुंचेगा, माउस को सीपीयू से जॉइंट है, किससे जॉइंट है, केबल से, तो जो डेटा हमने माउस को मूव करके दिया वो डेटा केबल के थ्रू सीपीयू को जाएगा। It is then that the mouse shows where you are currently working on the screen or point to a location on the screen. Hence, mouse is also known as a pointing device. जिस हिसाब से आपने केबल को, केबल से सीपीयू को डेटा दिया, उस हिसाब से माउस काम करेगा और करंटली वर्क करेगा, जो हमें मॉनिटर पर दिखेगा, और पॉइंट टू अ लोकेशन ऑन द स्क्रीन, वो पॉइंट है, ऐसे दिखता है ना, वो कहाँ पर है वो हमें स्क्रीन पर, मॉनिटर पर दिखेगा। तो माउस इज ऑल्सो नोन, माउस क्या है, वो इनपुट डिवाइस तो है ही, पर उसको पॉइंटिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें जो पॉइंट है
वो स्क्रीन पर देखने के लिए माउस का यूज करना पड़ेगा, इसलिए माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं। माउस इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंट करने के लिए हम माउस का यूज करते हैं, इसीलिए उसको हम पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। तो ये थे इनपुट डिवाइस। अब है आउटपुट डिवाइस। अभी हमने देखा कि इनपुट डिवाइस से हम डेटा डालेंगे, तो इनपुट डिवाइस में कौन कौन से आए, वो आए कीबोर्ड और माउस। फिर आउटपुट हमें मिलेगा तो वो कहां पर मिलेगा, आउटपुट डिवाइस में। तो वो कौन से हैं, तो वो है मॉनिटर और प्रिंटर। हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें कहां पर दिखेगी, मॉनिटर पर। अगर हमें हार्ड कॉपी चाहिए उसकी तो वो हमें मिलेगी प्रिंटर पर। The monitor and printer are two output devices. The monitor displays the output while the printer prints the output on paper. Monitor है वो हमें information screen पर दिखाता है, जबकि printer है वो हमें print देता है कहाँ पर, paper पर। तो सबसे पहले देखते हैं monitor. Monitor look like a TV screen, हमने सीखा monitor कैसा दिखता है। Monitor TV screen के जैसा दिखता है। देखिए पेज नंबर है 6 पर पिक्चर दिया है आपको मॉनिटर का। इट्स लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। इट इज कनेक्टेड टू द सीपीयू बॉक्स विद अ केबल। वहां यहां पर इनपुट डिवाइस में हमने देखा माउस कनेक्टेड है, कीबोर्ड कनेक्टेड है, किससे, केबल से सीपीयू से कनेक्टेड है। यहां पर मॉनिटर भी कनेक्टेड है सीपीयू से, किसकी हेल्प से, तो वो होगा केबल। केबल से जॉइंट है कौन, मॉनिटर सीपीयू के साथ। इट हैज अ पावर बटन टू स्विच इट ऑन एंड ऑफ एंड आल्सो हैज कंट्रोल्स फॉर ब्राइटनेस, कंट्रास्ट एटसेट्रा। द मॉनिटर इज आल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कंप्यूटर को ऑफ करने का, ऑन करने का, पावर ऑन, पावर ऑफ, शट डाउन, ये सभी प्रोसेस है वो हम मॉनिटर पर देख सकते हैं। स्विच ऑफ करने का बटन, ऑन करने का बटन, वो सभी मॉनिटर पर दिखते हैं। ब्राइटनेस कम करनी है, कॉन्ट्रास्ट ज्यादा करना है, ये सभी चीजें हम मॉनिटर पर देख सकते हैं। इसीलिए मॉनिटर को क्या कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल मतलब देखना, कहां पर देखना, मॉनिटर पर। विजुअल डिस्प्ले यूनिट किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्यों, क्योंकि हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें दिखती है कहां पर, मॉनिटर पर। इसका शॉर्ट फॉर्म वी डी यू, वी यू, वी मीन्स विजुअल, डी मीन्स डिस्प्ले, यू मीन्स यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडीयू। आपको पूछे वीडियो का फुल फॉर्म बताइए, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है, तो वो होगा मॉनिटर। और माउस को, माउस कौन सा है, दूसरा नाम उसका क्या है, तो वो है पॉइंटर डिवाइस। इनपुट डिवाइस तो है ही, कौन, माउस, और कौन सा दूसरा, पॉइंटिंग डिवाइस। क्यों, क्योंकि वो डिस्प्ले पर पॉइंट दिखाता है, इसलिए उसको हम बोलेंगे पॉइंटिंग डिवाइस। ये माउस का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वो मॉनिटर
विजुअल डिस्प्ले यूनिट का VDU का भी क्वेश्चन हो सकता है। डेटा एंटर इनटू अ कंप्यूटर इज प्रोसेस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। आउटपुट डिवाइस में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी मॉनिटर पर, पर उससे पहले जो डेटा डाला उसमें प्रोसेस होगा, फिर उसमें उसका स्टोरेज होगा, कहाँ पर स्टोरेज होगा, मेमोरी यूनिट में स्टोरेज होगा और फिर उस पर प्रोसेस होगा। प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो डेटा और इंफॉर्मेशन मिलेगी वो मॉनिटर या प्रिंटर, हमें प्रिंट चाहिए तो वो पेपर पर मिलेगा, उसका डिवाइस है प्रिंटर, अदरवाइज हमें ओनली स्क्रीन पर ही देखना है तो वो है मॉनिटर। ये हो गया मॉनिटर, अब है प्रिंटर। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस ही है। एनी इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द कंप्यूटर इज डिस्प्ले बाय द मॉनिटर। मॉनिटर पर कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, द इंफॉर्मेशन और आउटपुट कैन बी प्रिंटेड ऑन पेपर विद द हेल्प ऑफ द प्रिंटर। प्रिंटर की हेल्प से सभी डिटेल इंफॉर्मेशन है वो प्रिंट होती है। प्रिंटर इज कनेक्टेड टू द CPU बॉक्स विद अ केबल। केबल से CPU बॉक्स के साथ प्रिंटर भी कनेक्टेड होता है। अ प्रिंटर कैन प्रिंट बोथ टेक्स्ट एंड पिक्चर्स। प्रिंटर किस चीज को प्रिंट करता है, वो टेक्स्ट टेक्स्ट और पिक्चर दोनों। टेक्स्ट में तो हमने जो टाइप किया है वो कोई क्वेश्चन है या आंसर है कुछ भी है वो है टेक्स्ट। पिक्चर जब हमें स्कूल का पिक्चर चाहिए होता है तो वो प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंटर की हेल्प से वो प्रिंटर में प्रिंट होगा। क्या होगा, टेक्स्ट भी होगा और पिक्चर भी होगा, ये दोनों चीजें प्रिंटर प्रिंट करता है। द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द टेक्स्ट और पिक्चर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी किसे कहते हैं, जो हमें टेक्स्ट मतलब जो हमने टाइप किया है टेक्स्ट किया है उसकी या तो कोई भी पिक्चर की हमें पेपर पर जो प्रिंट मिलती है वो होती है हार्ड कॉपी। वो कहां पर मिलेगी हमें, मॉनिटर पर मिलेगी या प्रिंटर पर, तो वो हमें मिलेगी प्रिंटर पर। दिस इज बिकॉज द कॉपी स्टोरेज बाय द कंप्यूटर और डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो इंफॉर्मेशन है वो हमें मॉनिटर पर दिखेगी, वो पिक्चर है या टेक्स्ट है, वो है सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी कहाँ पर मिलती है, मॉनिटर पर, और हार्ड कॉपी कहाँ पर मिलेगी, वो है प्रिंटर पर। तो हार्ड कॉपी किसे कहते हैं कि जो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों की कॉपी हमें पेपर पर मिले वो है हार्ड कॉपी। जो कॉपी टेक्स्ट है और या पिक्चर है उसकी कॉपी हमें ओनली स्क्रीन पर दिखे वो है सॉफ्ट कॉपी। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रिंटर। किसके तीन पार्ट है, प्रिंटर। तो उसमें पहला है डॉट मैट्रिक्स, पहला है डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेसर।
डॉट मैट्रिक्स है वो उसका साइज बड़ा होता है, उसमें जो नीडल सुई नीडल दीवार बहुत सारी नीडल की हेल्प से प्रिंट होता है, उसमें प्रिंट होने में थोड़ी देर लगती है, थोड़ा टाइम लगता है, और जो डॉट मैट्रिक्स है वो आवाज बहुत करता है, प्रिंट होता है तो उसका आवाज बहुत ज्यादा आता है। कौन से प्रिंटर पर? वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, आपको दिया है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज अ स्मॉल सेट ऑफ नीडल्स लाइक पिंस टू प्रिंट वर्ड और पिक्चर्स। बहुत सारी नीडल्स दी गई हुई है डॉट मैट्रिक्स में, स्मॉल सेट, छोटा सा सेट है। द वर्ड्स और पिक्चर्स आर प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। डॉट्स मतलब गुजराती में हम इसको क्या बोलते हैं? टपकू, छोटे छोटे डॉट्स। Most dot matrix printer print in black and white. Dot matrix print में print कैसी होती है? Black and white. Color print हमें dot matrix में नहीं मिलती, क्योंकि जो needle में ink भरी हुई होती है वो black होती है और paper होता है white. इसलिए हमें print मिलेगी black and white. A dot matrix printer is very noisy and slow. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो काम करता है धीरे धीरे और नॉइजी, मतलब आवाज बहुत करता है। दूसरा है इंकजेट। द हेड ऑफ एन इंकजेट प्रिंटर हैज मेनी टाइनी होल्स ऑन इट। होल्स, छोटे छोटे होल दिए गए होते हैं। कौन से प्रिंटर में? इंकजेट प्रिंटर में। टाइनी मतलब बहुत छोटा। Tiny drops of ink is sprayed out of these holes to print words or picture on a paper. Inkjet में जो ink भरी हुई है होल में छोटे छोटे में वो spread होती है, फैलना, spread मतलब फैलना। Inkjet printers can print in both black and white and color. Inkjet है वो ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट करता है और कलर भी प्रिंट करता है। एन इंकजेट प्रिंटर इज क्वाइट चीप, इजी टू यूज एंड क्वाइटर देन द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये इंकजेट है, ये इससे थोड़ा जल्दी काम करता है, आवाज भी नहीं कर सकता, ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों प्रिंट करता है। क्वाइट चीप, चीप मतलब सस्ता है, डॉट मैट्रिक्स के हिसाब से वो सस्ता है और जल्दी काम करता है। डॉट मैट्रिक्स है ओनली ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करता है, इंकजेट है वो ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों प्रिंट करता है। इसमें नीडल दी गई होती है, इसमें टाइनी होल दिए गए होते हैं जिससे इंक स्प्रेड होती है कहां पर? पेपर पर। फिर है तीसरा लेजर प्रिंटर। पेज नंबर 8 पर उसका पिक्चर दिया गया है। अ लेजर प्रिंटर प्रिंट वर्ड्स और पिक्चर विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम। लेजर बीम की हेल्प से लेजर प्रिंट काम करता है, जो कि पिक्चर और वर्ड्स दोनों ही प्रिंट करता है। इट इज द बेस्ट प्रिंटर अवेलेबल टुडे फॉर गुड क्वालिटी प्रिंटिंग। बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग के लिए आज ये लेजर प्रिंटर का यूज बहुत ही ज्यादा होता है। कहीं पर ऑफिस में, बैंक में, स्कूल में या एनी अदर ऑफिस में ये मोस्टली लेजर प्रिंटर का यूज होता है। क्यों? क्योंकि वो लेजर के बीम से मदद से प्रिंट करता है। अ लेजर प्रिंट प्रिंट्स द होल पेज एट वंस। ये लेजर प्रिंटर है वो एक ही बार में एक पूरे पेज पर प्रिंट कर देता है। अ लेजर प्रिंटर इज कॉस्टियर देन द इंकजेट प्रिंटर बट इट प्रिंट्स एट हाई स्पीड। ये लेजर प्रिंटर है इंकजेट से थोड़ा महंगा है, पर उसकी काम करने की स्पीड है वो इन दोनों से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो एक ही बार में पूरे पेज को प्रिंट कर देता है। तो ये था लेजर प्रिंटर। थैंक यू।